देशवासियों को कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत होकर आराम करिए, हमारी डिफेंस फोर्सेस पूरी तरह सक्षम है और उनके पास पूरा देश का बना हुआ सामान है जिससे कि हम देश की रक्षा कर सकते हैं। नमस्कार, आपका ट्रू हंट में स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी डिफेंस फोर्सेस का नाम जुबान पर आता है तो हम काफी ज्यादा गर्वान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि ये वही डिफेंस फोर्सेस हैं जो सरदों पर हमारी रक्षा को 24/7 तैनात रहती हैं। तो ऐसे में हमारे साथ उन डिफेंस फोर्सेस के जाबाज सिपाही रह चुके मेजर जनरल सीपी सिंह मौजूद हैं, जो कि अक्सर हमारे साथ चर्चा में आते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स को लेकर। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर द ट्रू हंट के साथ जुड़ने के लिए। आज हमारी चर्चा का विषय है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर में जैसे आप जानते हैं कि काफी ज्यादा चेंजेस दिख रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की बात हो रही है, जिसमें हम अपने डिफेंस खुद के वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इंडिजिनियसली बिल्ड प्रचंड, और अगर दूसरी बात करूंगा नेवल में इंडिजिनियसली बिल्ड INS विक्रांत की चर्चा चारों ओर है। तो ऐसे में डिफेंस सेक्टर किस तरीके से पिछले एक दशक में चेंज हुआ है और क्या वो आने वाले समय में भारत को किस तरीके का बूम दे सकता है, उसके बारे में आज चर्चा होगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव जी धन्यवाद, आपने मुझे वापस ट्रू हंट के प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मैं अपने दर्शकों को जय हिंद करना चाहता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि ये एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है और जो किसी को प्रमोट करने के लिए नहीं बल्कि जनता में एक जागृति पैदा करने के लिए, जनता को सही बात उन तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हम बात करते हैं डिफेंस इंडस्ट्री की, तो यस ये बात सही है, हमारे पास अगर आप देखें तो करीब 14 लाख की फौज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स को बुला के हमारे जो डिफेंस फोर्सेज है करीब 14 लाख के करीब हैं। और हमारे पास दुनिया का सबसे ज्यादा डिस्प्यूटेड बॉर्डर है गौरव जी, पाकिस्तान और चाइना को मिला के 4,500 किलोमीटर का बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, अनमार्क्ड है, या ये कह सकते हैं कि दोनों पार्टी क्लेम करती हैं और दोनों हमारे पड़ोसी न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। ऐसे में हमें अपनी डिफेंस फोर्सेज को भी हमेशा तैयार रखना पड़ता है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट उनके पास हो। आज वो जमाना नहीं है कि आप कुश्ती लड़के जीत जाएंगे, आज तो आप हजारों किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को मार देते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी जो दुनिया में चल रही है वो हमें अपनी डिफेंस फोर्सेस के लिए लेना ही लेना है। तो इसलिए हमारा जो एक्सपोर्ट था, हमारी जो डिफेंस इंडस्ट्री थी, हमारी रिक्वायरमेंट के साथ चल नहीं पाई, इसलिए हमें दुनिया से बहुत सारा इक्विपमेंट इंपोर्ट करना पड़ता था। और अगर मैं कहूँ कि सऊदी अरेबिया के बाद भारत जो है नंबर 2 का इंपोर्टर था, यानी दुनिया से दुनिया की जो डिफेंस इंडस्ट्री है, आर्म्स की इंडस्ट्री है, उसका 8-9% सामान हम दुनिया में खरीदते थे। तो आज हम सामान खरीद भी रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ चीजें हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में सर ऑफकोर्स बदलाव तो अच्छा है, चेंज इज गुड फॉर आर इंडिया एंड स्पेशली आर डिफेंस सेक्टर विच वी आर ऑलवेज प्राउड ऑफ। सर इसमें जो बदलाव में मैं आपसे समझना चाहूंगा और जो लोग नॉलेज के लिए समझना चाहेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल हाल ही में प्रचंड नाम का एक हेलीकॉप्टर इंडिजिनियसली बिल्ड बताया जा रहा है भारत में, तो सर ऐसे में क्या समानता है, क्या पूरी तरीके से हम सक्षम हो चुके हैं, हम कोई उसका इक्विपमेंट बाहर से नहीं ले रहे, तो किस तरीके से आत्मनिर्भर होने की अभी हम एक कगार पर हैं, क्या पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो चुके हैं या अभी समय लगेगा? नहीं गौरव जी, जैसे आपने 2 एग्जाम्पल दिए, INS विक्रांत, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना एक देश में, ये उस देश की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा कदम है। आज हम दुनिया के उन चंद देशों में हैं, 3-4 देशों में, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं। और अगर टेक्नोलॉजी वाइज देखें तो INS विक्रांत चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनसे भी बेटर है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, हम तेजस बना रहे हैं या प्रचंड हेलीकॉप्टर बना रहे हैं या ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हैं, ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये 100% स्वदेश में निर्मित है, एक एक पुर्जा उसका देश में निर्मित है, तो मैं गलत हूंगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर में या एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में या हेलीकॉप्टर में हजारों कल पुर्जे और सब सिस्टम्स लगते हैं, हर एक सब सिस्टम की अपनी अपनी टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही बढ़िया है। तो हमने क्या किया कि जो कुछ सब सिस्टम्स जो हमारे पास आज की तारीख में बेस्ट अवेलेबल नहीं है वो हम बाहर से खरीद लेते हैं। अगर मान लीजिए हेलीकॉप्टर का इंजन हमारे पास अच्छा नहीं है, फ्रांस में बहुत अच्छा इंजन बन रहा है, तो हम फ्रांस से इंजन मंगा लेते हैं और फिर उसको डाल के अपना जो एक इंडिजिनस प्रोडक्ट जो हम तैयार करेंगे वो दुनिया के टॉप मॉडल के मुकाबले का होना चाहिए। अभी जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, वो करीब, मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, पहले हम पूरा का पूरा सामान बना बनाया विदेश से लेते थे क्योंकि हमारे पास अपने देश में कैपेबिलिटी ये सब चीज़ें बनाने की नहीं थी। धीरे धीरे हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी
कि हम जो भी सामान खरीदेंगे उसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करें। कोई भी कंट्री आरएनडी में बहुत पैसे खर्च करता है तो वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता, लेकिन हमने कहा भाई ठीक है, हम आपसे अगर 8-9% दुनिया के सबसे बड़े खरीदार हैं तो भाई हम तब खरीदेंगे जब आप हमें टेक्नोलॉजी भी देंगे। और लोगों ने बोला ठीक है, आप टेक्नोलॉजी हम देते हैं आप अपने देश में, क्योंकि हमारे देश में प्रोडक्शन सस्ता है, लेबर सस्ता है, हम सब सुविधाएं उनको देते हैं, हम इंडिया में ही फैक्ट्री डालेंगे और यहीं पे प्रोडक्शन करेंगे। तो जब हम ये सामान यहाँ प्रोड्यूस करते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी हमारे देश में आती है, फिर हम उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ उसमें इंडिजिनस पार्ट मिला के, शुरू में मान लीजिए हम 25% मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे 50% कर लेंगे, फिर 75% कर लेंगे, और आज के समय में नहीं लेकिन आने वाले कल में ऐसा समय आ जाएगा जब हम 100% अपने देश की बनी हुई टेक्नोलॉजी लगा के स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट, शिप्स और मिसाइल्स देश में प्रोड्यूस करें। सर, अब जीडीपी पर किस तरीके से ये एक ग्रोथ का इशारा कर रहा है? अगर हम डिफेंस सेक्टर में जो चेंजेस देख रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस हम फिलीपींस के लिए बनाने की बातें कर रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके का जीडीपी में ग्रोथ देख रहे हैं आने वाले समय में? देखिए जीडीपी में एज ऑफ नाउ हमारा करीब 2% या 2.09% ऑफ जीडीपी डिफेंस बजट में आता है, और उसका जो कैपिटल प्रोक्योरमेंट है वो करीब 70% हमारा कैपिटल में या सामान खरीदने में खर्च होता था। तो अभी हमने क्या किया है, गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिए हैं उसके हिसाब से, जो हम पहले 64% हम देश का सामान खरीदते थे धीरे धीरे पिछले 5 साल में, अभी इस साल में 64 को 68 कर दिया। ऐसे हम धीरे धीरे इसको अपने देश से खरीदे हुए सामान को बढ़ाते जा रहे हैं। अभी आपको मैं एग्जांपल दूं, चाहे कार का हो चाहे हवाई जहाज का हो, जो हम विदेश से चीज खरीदते हैं वो हमें कम से कम 4 गुना 8 गुना 10 गुना महंगी मिलती है। एक रफेल 1500 करोड़ का है, लेकिन अगर आप तेजस एयरक्राफ्ट देखें तो 200-300 करोड़ का है। तो इसीलिए मलेशिया वगैरह ये हमसे वो तेजस खरीद रहे हैं, वो कह रहे हैं यार काम चलाने के लिए बढ़िया है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हर एक आदमी दुनिया में वैन हुसैन की शर्ट नहीं पहनता है, कुछ लोग पीटर इंग्लैंड की भी पहनते हैं, कुछ मोंटे कार्लो का स्वेटर भी पहनते हैं, तो उन लोगों के लिए हम बना के भेज रहे हैं। तो डिफेंस को जो सामान की मान लीजिए 4 आइटम्स की जरूरत थी, वो 1500 करोड़ के 4 आइटम खरीदने के बजाय अगर हम 200 करोड़ के खरीदेंगे तो हमारे पास 20 आइटम आ जाएंगे। तो डिफेंस बजट उतना ही रहते हुए अगर हम अपने डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजनाइज करते हैं तो हमारे फौज के पास जो सामान की कमी है वो बहुत जल्दी अपने सामान से दूर हो जाएगी। और जब हम लड़ाई में जाते हैं तो दूसरे कंट्री वाले अपने सामान को रोक के हमारे ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, जैसे कि पिछले 71-65 वॉर में हुआ था। अगर हम अपने आप सामान बना रहे हैं तो हम किसी से डरने वाले नहीं है, हम कह सकते हैं कि आप एमिशन दो, सामान दो या नहीं दो, कल को हमारा अगर किसी के साथ स्टैंड ऑफ होता है, कन्फ्लिक्ट होती है, तो हम अपने देश के बने हुए स्वदेशी सामान से उस जंग को जीतने में सक्षम हों। सर, आपने इस सवाल के आंसर में आपने मेरे अगले सवाल की कड़ी जोड़ दी। सर, बेसिकली ऑफ कोर्स इतना तनावपूर्ण रहते हैं हमारे बॉर्डर्स, मैं मेजरली तो चाइना और पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा हूँ जो कि दुनिया जानती है। तो सर, ऐसे में जिस हिसाब से हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, जो कि एक बहुत ही, जैसे आपने बोला कि और मजबूत कर देगा, तो ऐसे में सर आज की डेट में अगर किसी से भी एक तरीके का स्टैंड ऑफ होता है तो हम कितना सक्षम है अपने सेल्फ डिपेंडेंसी के साथ और जो हमारी ऊपर की हुकूमत है उसके साथ, क्योंकि सोच भी बहुत कुछ मायने रखती है, तो किस तरीके का आज हम स्थिति में खड़े हैं उनसे भिड़ने के लिए? देखिए, अभी आप रक्षा मंत्री जी का बयान देखें पिछले 10-15 दिन में, तो उन्होंने कहा पीओके को लेने में ज्यादा देर नहीं लगेगी, तो मैं इससे ज्यादा क्या कह सकता हूँ, तो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कह ही दी मेरे मन की बात। सर, मेरा अगला सवाल जाता है, जब डिफेंस सेक्टर हमारी भारत की जीडीपी इकोनॉमी में इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है और आगे करने की एक मुहिम चला रहा है, तो ऐसे में जो हमारी डिफेंस फोर्सेस में काम कर रहे और हमारी रक्षा कर रहे जो भी सोल्जर्स हैं, तो उनके जो हक है क्या वो उनमें भी कुछ इजाफा आना चाहिए आगे जाकर के? देखिए गौरव जी, जैसे हम पहले बहुत सारा पैसा सामान खरीदने में बाहर लगाते थे, बाहर से सामान मंगाने में, जैसे मैंने बोला बहुत महंगा सामान मंगाते थे, तो जब ये पैसा कम लगेगा, कैपिटल प्रोक्योरमेंट में पैसा कम जाएगा सामान खर्च होने में, उससे हम 4 गुनी चीज खरीद लेंगे तो कुछ पैसा बचेगा, उससे हम अपने जवानों के लिए अपने कैंटोनमेंट्स में अपने सुविधाएं क्रिएट करेंगे, उनके वेलफेयर में उस पैसे को खर्च करने के लिए हमारे पास ज्यादा सुविधाएं, उनके लिए घर बना सकते हैं, उनके बच्चों के लिए स्कूल बना सकते हैं, उनके लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स बना सकते हैं। तो ये पैसा हमें अपने जवानों के जीवन स्तर को सुधारने में बहुत बड़ा योगदान हमें इस पैसे से मिलेगा। आई एम श्योर सरकार इन सब चीजों का ध्यान रखेगी और हमारे देश के ऊपर जो सिपाही इतनी मेहनत से और अपना खून पसीना बहा के इस देश की रक्षा में मुस्तैद रहते हैं,
उनके लिए जो आम सुविधाएं, उनके परिवार के लिए सुविधाएं और उनके जो तनख्वाह और जो फाइनेंशियल इफेक्ट्स हैं वो भी आने वाले समय में इम्प्रूव होंगे। पहले जो डिफेंस सेक्टर था वो सब सरकारी गवर्नमेंट के अंडर में था, कैप्टिव ऑडियंस थी, मतलब फौज को सामान लेना है तो गवर्नमेंट एजेंसी से ही लेना है। एज ए रिजल्ट कोई कंपटीशन नहीं था, तो वो ग्रो नहीं किए। खैर उस समय की ये नीड थी कि अगर डिफेंस के लिए बनानी है तो अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज बनानी ही पड़ेंगी। आज सरकार ने डिफेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज कर दिया है, भाई आप कमाइए पैसा और चलिए। उस स्टेज से शुरू होके आज हमने डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है, अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज कर दिया है और हम अपने देश में ही ज्यादा से ज्यादा सामान मंगा के कंपटीशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि डिफेंस को भी अच्छा सामान मिले। अब इसमें मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं कि पहले हमारे यहाँ R&D नहीं होती थी, R&D पे सरकार बहुत कम पैसा खर्च करती थी, गरीब देश था और R&D बहुत जरूरी है। कोई अपनी टेक्नोलॉजी आपको नहीं देता, आपको R&D करनी पड़ेगी तभी वो चीज़ आएगी। तो ये R&D भी हमारे देश में हो रही है। जहाँ तक प्रोडक्शन का सवाल है, प्रोडक्शन भी नहीं होता था, अभी सरकार ने 2 स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए हैं प्रोडक्शन के लिए, एक UP में, एक तमिलनाडु में, और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तीसरी चीज़, हमारे जो कोऑर्डिनेशन नहीं था डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस में, R&D में, बाबू लोगों में, जो खरीद देने करने की एजेंसीज थी, अब ये सब एक प्लेटफॉर्म पे लाए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है वो सरकार ने रिवाइज करी है और जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने प्राइवेट पार्टनरशिप की स्ट्रेटजी भी डिफाइन करी है, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मेजर जनरल CP सिंह, जिन्होंने डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ को लेकर हमारे साथ चर्चा की। सर बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद गौरव।